Hello everyone, I Rajiv Sharma welcome you all to the channel EduStudy. Today is 2nd of June 2018 and this is current affairs of the day. So friends, before starting, please do like and share to the video and subscribe to my channel. So dosto, shuru karne se pehle main aap logo ko kehna chahta hoon ki mere channel ko aap log subscribe kijiye aur is video ko like and share kijiye. So let me start. First MCQ. The first MCQ here is the with which of the following social media National Commission for Women NCW partners with collaboration with the Cyberspace Foundation CPF. So दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि कौन सा वो social media है जिन्होंने National Commission for Women NCW के साथ tie up किया हुआ है और उनके साथ collaboration हुआ है cyber पीस फाउंडेशन का CPF का. सो हियर द ऑप्शंस आर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर. सो करेक्ट आंसर फ्रेंड हियर इज द फेसबुक. सो हियर वन मोर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन फॉर यू. 60,000 वुमेन विल बी प्रोवाइडेड ट्रेनिंग ऑन सेफ एंड रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ द इंटरनेट, सोशल मीडिया एंड ईमेल बाय फेसबुक. सो इसमें बताया कि जो फेसबुक है वो 60,000 वुमेन को इंटरनेट के ज़रिए सोशल मीडिया और जो ईमेल होते हैं उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है ये इस्तेमाल करने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाला है. कितने वुमेन को? 60,000 वुमेन को इस टाई अप के दौरान. सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज़ द ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन सिटीज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्चेस इंटरनेशनल रुपे कार्ड भीम ऐप एंड UPI. सो इनमें से वो कौन सा विदेशी शहर है जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंटरनेशनल रुपए कार्ड, भीम ऐप एंड UPI को लॉन्च किया. सो हियर द ऑप्शंस आर जकार्ता, न्यूयॉर्क, सिंगापुर, बीजिंग. सो फ्रेंड्स हियर द करेक्ट आंसर इज द सिंगापुर. सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज द विच ऑफ द फॉलोइंग PSU स्टैंड एज द मोस्ट प्रॉफिटेबल फॉर सेकेंड ईयर इन ए रो. सो हियर द ऑप्शंस आर भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ONGC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन. सो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है कि लगातार दो साल के लिए वो कौन सा PSU है, हमारा जो PSU है इंडिया का, वो मोस्ट प्रॉफिटेबल रहा है. सो हियर द ऑप्शंस, यहाँ पे ऑप्शन है भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ONGC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन. और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन भी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन. इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इज द करेक्ट ऑप्शन हियर. सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट वन हियर इज द विद विच ऑफ द फॉलोइंग फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ एग्रीड टू अ फेयर डील. तो वो कौन सा ऐसा फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ US के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक फेयर डील किया हुआ है? सो ऑप्शंस आर नाफ्टा, बाफ्टा, UFTA, EU. And the correct option here is the NAFTA. And here the full form of NAFTA. NAFTA's full form is North American Free Trade Agreement. And Mike Pence is the Vice President of US. So, दोस्तों यहाँ पे extra information है NAFTA का जो full form है यहाँ पे लिखा हुआ है वो है North American Free Trade Agreement. और हाल ही में अभी के जो US के Vice President है वो Mike Pence है, ये याद रखना है. So, let's come to the next. नेक्स्ट वन हियर इज द हु एमोंग द फॉलोइंग took oath as द 7th केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. तो इनमें से कौन वो व्यक्ति है जिन्होंने हाल ही में 7th केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के रूप में शपथ लिया है. सो हियर द ऑप्शन मनमोहन हुसैन, नसीरुल मुल्क, परवेज मुशारफ, बेनजीर भुट्टो. सो फ्रेंड्स हियर द करेक्ट ऑप्शन इज नसीरुल मुल्क. नसीरुल मुल्क इज द पर्सन दैट टुक ऑथ एज द 7th केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन हियर इज द साइंटिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी डिस्कवर्ड रेयर न्यूट्रन स्टार. सो हियर द ऑप्शंस आर नासा, इसरो, जाक्सा, स्पेस एक्स. तो दोस्तों नीचे जो स्पेस एजेंसीज दिए गए हैं यहाँ पे, ये स्पेस एजेंसियों में से कौन सा वो स्पेस एजेंसी है जिसने हाल ही में रेयर न्यूट्रन स्टार का डिस्कवरी किया है?
So options here are the NASA, ISRO, JAXA, SpaceX. And the correct option here is the NASA. NASA ने अभी इसकी खोज की है. Rare neutron जो star है उसकी खोज NASA ने की है. So let's come to the next one. Next one here is the with which of the following head of the institution Kailash Satyarthi gets Santokba Humanitarian Award. तो वो कौन सा वो इंस्टीट्यूट कौन सा वो संस्थान है जिसके हेड के साथ कैलाश सत्यार्थी ने संतोखबा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड पाया है. सो हियर द ऑप्शंस आर चीफ ऑफ नासा, चीफ ऑफ डीआरडीओ, चीफ ऑफ आईएसए, चीफ ऑफ इसरो. सो हियर द करेक्ट आंसर द चीफ ऑफ इसरो. चीफ ऑफ इसरो इज एएस किरण कुमार. यू हैव टू कीप रिमेंबर दिस इज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हियर. एंड अनदर वन इंफॉर्मेशन गिवन फॉर यूज Santokba Humanitarian Award. This Santokba Humanitarian Award was instituted by Sri Ramakrishna Knowledge Foundation. This is important and extra information for you. So let's come to the next MCQ. That is, in which Indian cities today thematic seminar on water and sanitation in a run up to third annual meeting of Asian Infrastructure Investment Bank AIIB begins. So वो कौन सा इंडियन शहर है, कौन सा वो भारतीय शहर है जहाँ पे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के साथ थेमेटिक सेमिनार हुआ है वाटर और सैनिटेशन को लेकर. और इनमें ऑप्शन है पुणे, मुंबई, दिल्ली, जयपुर. सो हियर द करेक्ट आंसर इज पुणे. पुणे यहाँ पे करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है. एंड वन मोर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन हियर वी हैव फॉर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. Government of India hosted the seminar with Research and Information System RIS for developing countries as Chamber of Commerce and Industry. This is not FICCI actually. Something went wrong here. Okay. Friends, I withdraw this information as because I think this information is not so completed. So forget this about this. So let's come to the next one. What is we have next here? Next one here is the recently which of the following Indian state government launched a health insurance scheme? Gopabandhu Samdika Swasthya Bima Yojana for journalist. वो कौन सा इंडियन स्टेट है जिस इंडियन स्टेट ने जर्नलिस्ट के लिए यानी जो हमारे जर्नलिस्ट होते जो रिपोर्टर्स होते हैं उनके लिए एक इंश्योरेंस स्कीम लिया है जिसका नाम है गोपाबंधु समदी का स्वास्थ्य बीमा योजना. तो वो कौन सा इंडियन स्टेट है, यहाँ पे ऑप्शन है. ऑप्शन में आ रहे हैं यहाँ पे ओडिशा, बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल. सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ओडिशा. ओडिशा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज द अमोंग द 175 कंट्रीज What is the rank of India in end of childhood index 2018 where discrimination against girls remain a serious challenge for India. So 175 जो countries है, 175 countries में भारत की rank कौन सी है, कौन सी rank भारत ने पाया है किसमें end of childhood index. इन एंड ऑफ चाइल्डहुड इंडेक्स नाम का एक इंडेक्स है उसमें 2018 का इंडेक्स है. इसमें भारत की कौन सी रैंक हासिल हुई है और इसमें भारत की रैंक काफ़ी नीचे है और उसके लिए रेस्पॉन्सिबल क्या फैक्टर है. रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट गर्ल्स. जो गर्ल्स के अगेंस्ट में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव जो होता है गर्ल्स के अगेंस्ट में, वो यहाँ पे मेजर फैक्टर रहा है जिसके कारण भारत का जो रैंक है बहुत ही नीचे आ गया. सो ऑप्शंस हियर आर द 122, 101, 113 एंड 100. सो हियर द करेक्ट आंसर इज द 113. सो फ्रेंड्स दिस वेर द एमसीक्यूज. सो लेट्स कम टू वन लीनियर. सो वन लीनियर जीकेएस, वन लीनियर करंट अफेयर्स. हियर आर द एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ पिनाका रॉकेट वॉज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड फ्रॉम चांदीपुर इन ओडिशा बाई डीआरडीओ. दिस इज इंपॉर्टेंट वन लीनियर. Next one linear, we have here two-time Commonwealth Games champion weightlifter Sanjita Chanu fails dope test. This is important. Next one,
डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इनॉगरेटेड फर्स्ट IAF इंडियन एयरफोर्स कमांडर कॉन्फ्रेंस. गगन शक्ति एक्सरसाइज वॉज मैंसन्ड एज द लैंडमार्क एक्सरसाइज फॉर IAF. नेक्स्ट वन ईयर इज द टाटा मोटर साइंड ए MOU विथ द महाराष्ट्र गवर्नमेंट फॉर प्रोमोटिंग ई मोबिलिटी. आवर नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्मर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ झारखंड एज्यूम चार्ज एज सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. नेक्स्ट वन फिक्की स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2018 वेर अवार्डेड टू पुलिस ऑफिशियल्स ऑफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एंड स्टेट पुलिस इन न्यू दिल्ली. द मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिस मेनका गांधी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट एडवांस फॉरेंसिक लैब इन चंडीगढ़. द नेम ऑफ द लैब इज सखी सुरक्षा एडवांस DNA फॉरेंसिक लेबोरेटरी. सो दोस्तों ये तो है आज के MCQ जो हिंदी में मैं बता रहा हूँ कि जो पिनाका रॉकेट है उसका अपग्रेडेड वर्जन चांदीपुर ओडिशा में जो बेस है DRDO ने उसको लॉन्च किया है. और दूसरा यहाँ पे जो वनलीनर है वहाँ पे क्या है जो कॉमनवेल्थ में दो दो बार जो चैम्पियंस थी वेट लिफ्टर थी वो उनका नाम है संजीता सानू. वो डोप टेस्ट जो होता है उसमें फेल हो गई. डोप टेस्ट में वो पास नहीं कर पाई जिसकी वजह से आगे जाकर कोई भी जो गेम्स रहेंगे कोई भी वेट लिफ्टिंग के जो टूर्नामेंट रहेंगे वहाँ से वो शायद बाहर भी हो सकती है. नेक्स्ट हमारे पास क्या है जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर सुरक्षा मंत्री जिनका नाम है निर्मला सीतारमण वो IAF इंडियन एयरफोर्स जो है इंडियन एयरफोर्स का जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुआ है वहाँ पे उसका इनॉग्रेशन उसका उद्घाटन उन्होंने किया है निर्मला सीतारमण ने. और यहाँ पे जो IAF है उसके लिए जो लैंडमार्क एक्सरसाइज उनका जो एक्सरसाइज होता है युद्धाभ्यास होता है उसमें जो गगन शक्ति है उसको सबसे प्रोमिनेंट माना है उसको सबसे मुख्य माना हुआ है. टाटा मोटर्स ने महाराष्ट्र के जो सरकार है उसके लिए ई मोबिलिटी को प्रमोट करने के लिए टाई अप किया हुआ है. सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट यहाँ पे है कि जो हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के पहले के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे उन्होंने हमारे जो भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है उसके सेक्रेटरी के रूप में उनको अभी अपॉइंटमेंट मिला हुआ है. जो फिक्की स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2018 है ये जो पुलिस के जो ऑफिसर से सेंट्रल आर्म फोर्स के जो ऑफिसर से और स्टेट पुलिस जो है उनको न्यू दिल्ली में ये अवार्ड दिया गया है. और हमारे जो मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो मिसेस मेनका गांधी है उन्होंने इंडिया का फर्स्ट एडवांस फॉरेंसिक लैब चंडीगढ़ में फर्स्ट इंडिया का फर्स्ट एडवांस फॉरेंसिक लैब का उद्घाटन किया है. और इस लैब का नाम है सखी सुरक्षा एडवांस DNA फॉरेंसिक लेबोरेटरी. सो फ्रेंड्स दीज वेर द इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ द डेट 2nd of June 2018. आई होप यू हैव एन्जॉय द वीडियो यू हैव एन्जॉय द सेशन. सो दोस्तों ये तो था 2nd June 2018 के करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट वन लीनियर और साथ साथ में MCQs. तो आशा रखता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कीजिए और साथ साथ में मेरे चैनल एडू स्टडी को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हर रोज़ में जब भी करंट अफेयर्स के वीडियो अपलोड करता हूँ तभी आप लोगों को तुरंत ही वीडियो मिल सके. सो फ्रेंड्स हैव ए नाइस डे हैव ए वेल प्रिपरेशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग.